भी हो रही है और आपको उससे ज्यादा जो भयावह बात है जो आपको चिंतित करनी चाहिए वो ये है कि जो 7.6% 40 साल से कम के सांसद अभी हैं लोकसभा में, उसमें करीब करीब 67% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक विरासत या राजनीतिक परिवार से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल से कम आयु का जो सांसद है, 2-3% को छोड़ दीजिए तो कोई भी नया आदमी सांसद बन ही नहीं सकता। इस चीज को बदलने की जरूरत है। आपको हमको लगता है कि राजनीति में हम कैसे आएंगे, इसमें तो सारे गंदे लोग ही हैं, इसमें तो बाहुबली ही आ सकता है, इसमें जिसके पास पैसा है वही आ सकता है, जिसके पास जाति की समझ है वही आ सकता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो एमएलए और एमपी तो बन नहीं सकते हैं, इसलिए पार्टी का यह मत है कि आने वाले समय में जो पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको दलगत आधार पर लड़ा जाए, ताकि जो बिहार के नवयुवक हैं उनको वार्ड लड़ने का, गांव ग्राम पंचायत लड़ने का, जिला परिषद लड़ने का मौका मिले। आप अंदाजा लगाइए, बिहार में 8,800 करीब मुखिया हैं, उसमें से 5,000-6,000 मुखिया नए युवक क्यों नहीं होने चाहिए? अगर वो होंगे तो वहां से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाया जा सकता है। तो मेरा प्रयास अगले 2-3 साल में ये है के बैनर के तहत चुने गए मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सिद्धू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाई से बधाई नहीं आ रहा, पूरी ताकत से बधाई। मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं, आपको जाना भी है मुझे भी नहीं जाना है, कुछ चंद बातें आपसे बताना चाहता हूं। मैं आपके जैसे सामान्य परिवार से थोड़ा बहुत किस्मत का साथ रहा है, देश के करीब करीब सारे बड़े नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला है, लेकिन अगले दो तीन बरस अपने जीवन के मैं इस बात से लगाना चाहता हूं कि जो नवयुवक हैं खासकर बिहार के, राजनीति में आना चाहते हैं और राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, उनको राजनीति में कैसे लाएं, उनका मार्गदर्शन कैसे करें, उनका हाथ कैसे पकड़े, ये जिम्मेवारी ली है। माननीय नीतीश जी जो बिहार के अगुवा भी हैं और इस पार्टी के मुखिया भी हैं, उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है और हम लोगों ने मिलकर ये प्रण किया है, 1,00,000 ऐसे विद्यार्थी या युवक जो अभी राजनीति में नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीति में लेकर आना है। और राजनीति में लाने का मतलब पार्टी में सदस्यता दिलाना नहीं, इसमें से कम 10-12-17 हजार लड़कों को चुनावी राजनीति में लाना है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।